देखिए यहाँ पे मेरे फोन में भी नाइट मोड आ गया। डरावना जैसा लगता है। सभी टनल यहाँ पे हमारी समाप्त होती है और सब लोगों ने 40 का स्पीड मेंटेन किया है। वाह वाह, ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो टनल में से बाहर निकलने के बाद। सुपर्ब ग्रीनरी है, मज़ा आ गया बॉस इसे देख के। तो और इतना इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, उसके सामने तो एसी भी कुछ नहीं है। यानी जो नेचर है वो नेचर होता है, नेचर सबका बाप है, उसके आगे कितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो सब फेल है। मज़ा लीजिए नेचर का, सिनेमैटिक व्यू देखिए कितने सॉलिड है। अभी एक टनल आगे आने वाला है, यहाँ से दूर से दिख रहा है, सब उस टनल को क्रॉस करेंगे। आपको सामने शायद दिखा होगा, तो मुझे ये लगता है कि रास्ता उधर ही जाएगा, सब टनल में से बाहर निकलेंगे तो नज़ारा औसम होगा। औसम जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही है, हम टनल में से ही निकल रहे हैं। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा, बहुत बहुत ही कम दूरी है अभी, बहुत पास है हम अभी उसके टनल से। तो जैसे ही हम टर्न लेंगे लेफ्ट साइड में, आपको सामने ही दिखेगा टनल। आ गया टनल फाइनली। आपको दिख रहा होगा येलो कलर का यहाँ पे बता रहा है, जो मतलब यानी पूरा ये जो रॉक है पहाड़, उसके अंदर से होल करके पूरा ये रास्ता बनाया है। मतलब सुपर, देखो सामने पूरा पहाड़ दिख रहा है, उसके अंदर से हम निकलने वाले हैं, यानी उसके अंदर से पूरा बंकर जैसा बनाया है ये। जब भी हम किसी टनल को क्रॉस करते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, जैसे 40 की स्पीड रखनी है, हॉर्न नहीं बजाना है। देखिए यहाँ पे मेरे फोन में भी नाइट मोड आ गया। डरावना जैसा लगता है। सभी टनल यहाँ पे हमारी समाप्त होती है और सब लोगों ने 40 का स्पीड मेंटेन किया है। वाह वाह, ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो टनल में से बाहर निकलने के बाद। मज़ा आ गया। सो राइट नाउ आई एम एट मैसेणा कलोल हाईवे और अभी बज रहे 6:48, यानी ऑलमोस्ट जो है हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम जो है टाइम में वीडियो कंप्लीट हो। तो जैसा मैंने बताया कि अभी हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है जोधपुर, जहाँ पे हमें रुकना है। तो अभी मैंने नेट ऑन नहीं किया है कि भाई हम कितने बजे तक वहाँ पे पहुँचेंगे उसके लिए। तो मैंने चाहा कि भाई डायरेक्टली आप जो एक नज़ारा देखें रोड का,
कि अर्ली मॉर्निंग में भी कितना ट्रैफिक रहता है, और ख़ास करके ये हाईवे पे ऑलमोस्ट ट्रैफिक रहता ही है। तो अभी जैसे ही हम राजस्थान बॉर्डर में एंटर होंगे, तो वहाँ से डायरेक्टली फेस टू फेस आपसे बात करूँगा। तो तब तक वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना, ताकि पता चले कि हम कहाँ कहाँ रुके, हमने कहाँ पे खाना खाया। और स्पेशली मुझे आपको बताना है कि छोटी गाड़ी में जो लगेज हमने पैक किया है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखने वाली है। आप हैरान हो जाओगे कि भाई इतनी छोटी गाड़ी में इतना सारा लगेज। तो जब भी मैं आगे कहीं रुकूंगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैं आज फिर से उसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं बाइक लेके आया था, और मुझे वो राइडर मिला था, और मैंने आपको बताया था कि उसने मुझे थम्स अप दिया, इससे मेरे अंदर एकदम से एनर्जी चार्ज हो गई। सो अभी इसी जगह पे मैं हूँ, लेकिन अभी मैं हूँ टाटा नैनो के साथ अपनी, क्योंकि प्लान चेंज हुआ। सो ये वही जगह है जहाँ पे मुझे वो मिला था। तो बस इसके लिए थोड़ा शूट किया कि थोड़ी मेमोरी जो है रिवाइज हो जाए। देख लीजिए वही जगह है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। उस समय मैं बाइक पे आया था, और ये 69 किलोमीटर है, यानी ऑलमोस्ट मैंने कुछ 70 किलोमीटर टेस्ट राइड किया था। वन साइड 70, सेकंड यानी 140 किलोमीटर टोटल उस दिन मैंने राइड किया था, जिस दिन वो मुझे मिला था। और यही बम्प आ गया जिसमें बाइक थोड़ा जंप हुआ था। तो अभी डायरेक्टली रूबरू करेंगे राजस्थान क्रॉस करने के बाद, थोड़ा बहुत रेस्ट लेंगे। यहाँ पे एकदम हल्की सी झरमर थोड़ी बारिश हो रही थी, मतलब कुछ लाइन पे, सब जगह पे नहीं। तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ से मैंने यू टर्न लिया था, ये जो आप साइन बोर्ड देख रहे हो, यहाँ से मैंने यू टर्न लिया था। और ये वो भाई मुझे यहाँ पे मिले थे, ये जो बोर्ड लिखा है ना कॉलेज का लेफ्ट साइड में, वहाँ पे मैं उनके साथ बात कर रहा था, और यहाँ से मैंने यू टर्न लिया था। तो ये टोटल 69.7 किलोमीटर हुआ। सभी मिलेंगे डायरेक्टली राजस्थान में। ये जो है वो पालनपुर हाईवे है, एकदम नीट एंड क्लीन है। सो अगर आप यहाँ पे फोर व्हीलर या टू व्हीलर से भी आते हो, सो बिंदास आ सकते हो, यहाँ पे आपको अच्छा सा स्पीड मिलेगा। रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है। सो मुझे लगा कि जो भी ट्रैवलर है उनको पता चलना चाहिए कि अगर ये रास्ते से वो जाते हैं तो रास्ते का कंडीशन कैसा है। आपको सामने दिख तो रहा ही होगा, लेकिन मैं देख के बता रहा हूँ कि सही में बहुत ही अच्छा रास्ता है, एकदम नीट एंड क्लीन और काफ़ी बड़ा रास्ता है। सो टू व्हीलर से भी अगर यहाँ आना चाहते हो तो इजीली आ सकते हो। सो अभी आगे बातचीत करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। फर्स्ट टाइम अगर चैनल में वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये हमारा सीरीज है टाटा नैनो ट्रिप टू लद्दाख। सो जो ट्विस्ट हुआ उसमें ही हमारा जो है सस्पेंस है कि पहले बाइक से जाने वाला था, फिर अभी कार में हो गया। मतलब यहाँ पे थोड़ा बारिश जैसा लग तो लग रहा है, लेकिन है नहीं। कुछ कुछ जगह पे थोड़ा थोड़ा था, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में था। तो ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे ऑन द गो, और मुझे आपको लगेज भी दिखाना है कि किस तरह से छोटी गाड़ी में पैक किया है। तो चैनल से जुड़े रहना।
तो भाई हमारे सामने आफ्टर 149 किलोमीटर एक टोल आया है जब हमने अहमदाबाद से राइड स्टार्ट किया था। तो देखते हैं यहाँ पे चार्जेबल है नहीं है, लगता तो नहीं है कुछ होल है। नहीं नहीं है, है। से हमारा फर्स्ट टोल है यहाँ पे, और यहाँ पे बारिश काफी है पालनपुर से बाद अभी तक। सो टोल हमने क्रॉस कर लिया है। सो अभी कह सकते हैं कि वी आर इन द राजस्थान। एक्चुअली बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि बारिश थोड़ी चालू है, तो उसकी वजह से जो है कैमरा गीला हो सकता है। लेकिन जब भी मौका मिला, बारिश कम हुई या बंद हुई, तो बाहर निकल के थोड़ा आपसे बातचीत करूँगा। अगर आपको सामने अगर सीनरी दिख रही होगी तो आपको दिखेगा कि बारिश की वजह से टोटली ग्रीन ग्रीन है। सो मतलब अगर राजस्थान यानी आबू रोड पे अगर ऐसी ग्रीनरी है, सो हिमाचल और लेह लद्दाख में कितना एकदम मतलब एटमॉस्फेयर होगा। वैसे तो वहाँ पे कभी भी जाओ एटमॉस्फेयर बहुत ही सुपर्ब होता है, पर सही में बारिश की सीज़न का मज़ा ही कुछ अलग होता है। एक चारों तरफ हरियाली हरियाली, मतलब बॉडी के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है। मज़ा आ गया सच में नज़ारा देख के। Thank you.
सो गूगल माता ने मुझे कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के निकाला, मालूम नहीं। ऐसा लग रहा था कोई पूरा रेसिडेंस एरिया था, मतलब सिरोही गांव था शायद, जिसके अंदर से घुमा घुमा के निकाला छोटी छोटी गलियों में से। अच्छा है नैनो गाड़ी थी, अगर बड़ी गाड़ी होती तो 100% वो बीच में फंस जाता, रुक जाता ना, वहाँ पे रिटर्न लेने के चांसेस थे ना, वहाँ पे कोई टर्न आप ले सकते हो, मतलब जिस तरह रोड जा रहे उसी तरह आपको सीधे सीधे जाना है। सो बड़ी गाड़ी है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। और फाइनली अभी फिर से अंदर से घूम घूम के मैं फिर से ओरिजिनल हाईवे पे रिटर्न आ गया हूँ। सो मतलब हाईवे को देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे थोड़ा टेंशन था कि मुझे कहाँ घुमा रहा है, हाईवे क्यों नहीं आ रहा है, पर फाइनली हाईवे पे आ गए। सभी मिलते रहेंगे आगे, ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कंटिन्यूसली वीडियो देखना तो पता चलेगा हम कहाँ कहाँ पहुँचे, कहाँ कहाँ से निकले, क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा, और किस तरह से हमने जो पूरा लगेज लोड किया है छोटी सी गाड़ी में, सो भी एक आप जानने जैसी चीज़ है। तो कंटिन्यू रहना चैनल के साथ।